और आप सभी के बीच में आपके अपने प्रशांत सर प्रेजेंट हो गए हैं। तो फटाफट हमारे सभी प्यारे भाई बहन आ जाएं, और आज का सेशन काफ़ी जानदार शानदार होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके अपने प्रशांत सर प्रेजेंट हो गए हैं। तो चलिए बताइए, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही है? तो फिर क्लास को आगे हम रन कराएं। फटाफट हमारे सभी प्यारे भाई बहन सबसे पहले क्या कर दें, सेशन को शेयर कर दें, और शेयर करने के साथ ही साथ लेफ्ट साइड में जो लाइक का बटन है उसे आप दबा दीजिए। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सबसे पहले समझ लीजिए, डायरेक्शन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। ओके, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताने हैं। क्या बताने हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द आपको बताना होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। द किलिंग ऑफ वंस मदर, आपको बताना है द किलिंग ऑफ वंस मदर क्या होगा? एपिसाइड होगा, मैट्रिसाइड होगा, या एविसाइड होगा, या एक्सोरिसाइड होगा? टेल मी विच वन इज गोज टू करेक्ट। फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए प्यारे साथियों, फटाफट जवाब दीजिए। विच वन इज गोज टू करेक्ट, किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा? फटाफट आंसर दीजिए। तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसमें जो राइट ऑप्शन हमारा होता है, द किलिंग ऑफ वंस मदर मींस हो गया माता की हत्या के लिए अगर एक शब्द हमें बताने हैं तो क्या हो जाएगा? मैट्रिसाइड विल बी द करेक्ट आंसर। राइट वन क्या हमारा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही होता है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द किलिंग ऑफ वन सिस्टर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर टू का। द किलिंग ऑफ वन सिस्टर आपको बताने हैं, पैट्रिसाइड, पैरिसाइड, सरोरीसाइड या पैट्रिसाइड, क्या कहा जा सकता है? द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर के बारे में बताना है। एवरीथिंग इज ओके, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए डियर फ्रेंड्स जवाब दीजिए। नेटवर्क इशू तो नहीं ना है? चीजें दिख रही हैं आपको? चलिए तुरंत बताने की कोशिश करिए, थोड़ा सा कमेंट आपका देख लें कि रेडी है या नहीं है। तो किलिंग ऑफ वन सिस्टर के बारे में बात की जा रही है। तो सिस्टर के बारे में बार बार हमने बताने की कोशिश की है, सिस्टर के बारे में क्या होगा? फैट्रीसाइड होगा, पैरीसाइड होगा, सरोरीसाइड होगा, या पैट्रीसाइड होगा? तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करिए। एवरीथिंग इज ओके। चलिए अंकिता मदेसिया आ रहा है सर, सी होगा। विवेकानंद जी का आ रहा है, सी होगा। और यहाँ पर बात करें तो हेलो एवरीवन, एक बार झूम करके सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए प्यारे साथियों, यहाँ पर मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ। फटाफट द किलिंग ऑफ वन सिस्टर की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हमारा होगा, सरोरी साइड विल बी द करेक्ट आंसर। सही हो जाएगा, सरोरी साइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ वन सिस्टर, मतलब यहाँ पर कहें तो बहन की हत्या के लिए एक वर्ड्स बताया गया है। ओके, अगर हम बात करें कि पैरिसाइड क्या होता है तो किलिंग ऑफ पेरेंट्स हो जाएगा, ठीक ना? माता पिता की हत्या होगा तो पैरिसाइड हो जाएगा। केवल किसकी हत्या होगी? फादर की हत्या होगी तो पैट्रिसाइड हो जाएगा, और ब्रदर की हत्या होगी तो फैट्रिसाइड हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है किलिंग ऑफ वन सिस्टर, ठीक है ना? बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आज देना है। नेक्स्ट बताइए, द पर्सन फाइंडिंग फॉल्ट, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा गलतियां फाइंड करता है उसे क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलेंगे, फैनेटिक कहेंगे, रिक्लूज कहेंगे, या सेंसोरियस कहेंगे, क्या कहा जा सकता है? ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन माने वह व्यक्ति, हु माने जो, ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट, जो हमेशा फॉल्ट ही खोजता है, दूसरे में कमियों को खोजता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोइक, रिक्लूज, फैनेटिक, या क्या कहा जा सकता है? सेंसोरियस कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? सेंसोरियस कहा जा सकता है, बताइए क्या कहा जाएगा? रिक्लूज हो सकता है। चलिए सोच समझ करके फटाफट जवाब दीजिए। आज का सेशन बहुत शानदार जानदार होने वाला है, ठीक है? आज का सेशन बहुत शानदार जानदार होने वाला है। झूम करके शेयर करते रहिए और फटाफट आंसर बताते रहिए। चलिए हम राइट ऑप्शन सीधे बताते चलते हैं, क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका होता है सेंसोरियस, मीन्स होता है अ पर्सन हु इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, दूसरों में गलतियों को निकालता है, ढूंढता है। चलिए ठीक, उसे क्या बोलते हैं?
सेंसोरियस बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी विल बी द, सी डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अ लॉन्ग वांडरिंग जर्नी, ठीक ना, लॉन्ग मीन्स लंबा हो गया, वांडरिंग मीन्स घूमते हुए, जर्नी माने यात्रा, मतलब एक लंबी यात्रा पर आप क्या कर रहे हैं, वांडरिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या वर्ड होगा, मैंडेट होगा, ओडिसी होगा, लीबेल होगा, जाउंट होगा, क्या कहा जा सकता है, टेल मी गाइस विच वन इज गोज टू करेक्ट। ठीक है चिंटू जी, आते रहिए, देखते रहिए, ठीक है। अ लॉन्ग वंडरिंग जर्नी में अगर हम बात करें तो मैंडेटे होगा, ओडिसी होगा, लाइवेल होगा या जाउंट होगा, क्या कहा जा सकता है, फटाफट आंसर दीजिए, ठीक है। इसके लिए क्या राइट ऑप्शन हो सकता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो राइट ऑप्शन हमारा होगा, ओडिसी मीन्स होता है, क्या होता है, अ लॉन्ग वंडरिंग जर्नी, एक लंबी जो यात्रा की जाती है, ठीक है ना, एक लॉन्ग वंडरिंग जर्नी जो जर्नी जो होती है उसे हम बोलते हैं ओडिसी, क्या बोलते हैं, ओडिसी। चलिए ठीक है, फटाफट हम यहाँ पर कराते रहेंगे। नेक्स्ट बताइए, फियर ऑफ स्नेक को क्या कहा जाएगा, हाइपोचैंड्रिया या फैंथिज्म या फेस्मोफोबिया या ओफिडियोफोबिया, क्या कहा जा सकता है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर फियर ऑफ स्नेक हो, ठीक ना, किससे उसके अंदर किसका भय होता है, अगर हम बात करें तो सांप का भय उसके अंदर होता है, सांप देखेगा उसके अंदर भय विद्यमान हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, हाइपोचोंड्रिया कहेंगे, पैंथिज्म कहेंगे, फेस्मोफोबिया कहेंगे या ओफिडियोफोबिया कहा जाएगा। चलिए फटाफट आंसर देते रहिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आप सभी को जवाब देना है, क्या कहा जाएगा, देखते हैं किसका सही जवाब आ रहा है, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए डियर फ्रेंड्स, देखिए हम सीधे जवाब देते हैं, अगर ऐसा व्यक्ति है जिसको फियर ऑफ स्नेक है, ठीक ना, सांप से जिसको क्या है, भय है, उससे हम क्या कहेंगे, ओफिडियोफोबिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ओफिडियोफोबिया कहा जाता है, ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिस कराएंगे। ओफिडियोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ स्नेक, तो इसको इससे मिला लीजिएगा, किससे मिला लीजिएगा, फियर ऑफ स्नेक मीन्स होता है ओफिडियोफोबिया मीन्स होता है। चलिए सेशन को झूम करके लाइक सेशन करते रहिए। नेक्स्ट वन, द इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड ग्रुप आर क्लास ऑफ अ सोसाइटी आर कंट्री को क्या कहा जाता है, इंटेलिजेंसिया या पंक्टिलियस कहा जाएगा, लैपून कहा जाएगा, एलीट कहा जाएगा, क्या कहा जा सकता है, फटाफट आंसर दीजिए। द इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड ग्रुप आर क्लास ऑफ सोसाइटी आर कंट्री, कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान, एजुकेटेड माने शिक्षित, ग्रुप माने समूह, बुद्धिमान और शिक्षित लोगों का जो ग्रुप समूह होता है, आर क्लास ऑफ ए सोसाइटी आर कंट्री, किसी देश और समाज में, उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए हो सकता है क्या, इंटेलिजेंस जेंसिया होगा, पंक्टिलियस होगा, लाइपून होगा, एलीट होगा, राइट ऑप्शन बताइए 6 का क्या होगा, क्या कहा जा सकता है, देखते हैं सबका, सबसे पहले किसका सही जवाब आ रहा है, पुनः सुन लीजिए, द इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड ग्रुप आर क्लास ऑफ सोसाइटी आर कंट्री, राइट ऑप्शन हमारा होता है डियर ए होता है, क्या होता है, इंटेलिजेंस शिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सुनील गुप्ता जी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा टफ लेवल किया जा रहा है क्योंकि आगे एग्जाम नज़दीक है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंस शिया हो जाएगा, विल बी द करेक्ट ऑप्शन, तो आप इसको कर लीजिएगा, ई फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए सुनते रहिए ध्यान से, आगे बात करते हैं, इसको बताइए, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसे के लिए किसी को आप धोखा दे देते हैं, पैसे के लिए धोखा देते हैं, तो फ्रॉड कहा जाएगा, रोबरी कहेंगे, पिक पॉकेट कहेंगे, थेफ्ट कहेंगे, क्या कहा जा सकता है, ऐसा व्यक्ति जो पैसे के लिए क्या करता है, किसी को धोखा दे देता है, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रॉड कहेंगे, रोबरी कहेंगे, पिक पॉकेट कहेंगे या थेफ्ट कहेंगे, क्या कहा जा सकता है, फटाफट आंसर दीजिए। गोविंद बाबू, रचना त्रिपाठी और अंकिता मदेसिया, सुनील गुप्ता, चंदू, के एस सोनू सरोज जी, मोस्ट वेलकम है सभी प्यारे भाइयों बहनों का, अंकिता मदेशिया जी, चलिए गोविंद कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है, सभी प्यारे भाई बहन जो है जवाब दें, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी, किसी को धोखा देना, धोखा देने का कार्य करना, कब,
इन ऑर्डर टू मेक मनी, धन बनाने के लिए, तो जवाब क्या आपका होगा वही बताना है। तो डियर फ्रेंड यहां पर आप जवाब दीजिएगा फ्रॉड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रॉड विल बी द करेक्ट आंसर। रोबरी नहीं होगा, थेफ्ट नहीं होगा, पिक पॉकेट नहीं होगा, यहां पर क्या कहा जाएगा? फ्रॉड। फ्रॉड कहा जाता है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट आंसर देते रहिए। नेक्स्ट वन आपसे पूछा जा रहा है कि वन हु लव्स बुक्स, ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्रेम करता है उसे क्या कहेंगे? बिब्लियोफोब कहेंगे, बिब्लियोग्राफर कहेंगे, बिब्लियोफिल कहेंगे, या बिब्लियोफेगिस्ट कहेंगे? क्या कहा जा सकता है? फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको देना है। चलिए दोस्तों क्या हो सकता है, सोच समझ करके आंसर दीजिएगा। देखते हैं किसका सही जवाब आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको जवाब देना है। क्या हो सकता है? वन हु लव्स बुक, ऐसा व्यक्ति जो किससे प्रेम करता है बताइए, ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्रेम करता है उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहा जा सकता है? चलिए प्यारे साथियों, गोविंद कुमार जी कुछ प्यारे भाई बहन सही आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सही होगा। देखिए परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसको क्या कहा जाता है? बिब्लियोफिल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बिब्लियोफिल कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लास आपका टाइमिंग बढ़ भी सकता है, तो आपको घबराना नहीं, एग्जाम आगे लगा है। ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, किताबों का प्रेमी होता है, उसे बिब्लियोफिल कहा जाता है। लेकिन अगर किताबों से घृणा कर रहा, अगर हेट कर रहा है, क्या कर रहा है? अगर हेट कर रहा है तो ए ऑप्शन हो जाता। अगर वो किताबों से घृणा करता तो क्या हो जाता? बिब्लियोफोब हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या है आपसे पूछा जा रहा है कि वन नोविंग एवरी थिंग्स, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, लर्न्ड होगा, ओमनी प्रेजेंट होगा, ओमनी पोटेंट होगा, या ओमनी साइंट होगा? क्या कहा जा सकता है? वन नोविंग एवरी थिंग्स, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहा जाएगा? ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, टेल मी व्हाट कैन यू से? वन नोविंग एवरी थिंग्स क्या कहेंगे? लर्न्ड कहेंगे, ओमनी प्रेजेंट कहेंगे, ओमनी पोटेंट कहेंगे, या ओमनी साइंट कहेंगे? टेल मी विच वन इज गोज टू करेक्ट। इसे ध्यान रखिएगा, पहले हाईलाइट कर देता हूँ। क्या है? वन नोविंग एवरी थिंग्स, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है। तो प्यारे साथियों आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, विल बी द करेक्ट आंसर। उसे कहा जाता है ओमनी साइंट। क्या कहा जाता है? ओमनी साइंट कहा जाएगा। चलिए जिन भाई बहनों ने डी ऑप्शन लगाया है, बिल्कुल सही होता है। इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि इसमें से एक नए क्वेश्चन आ ही जाएगा आपका, ठीक है ना? चलिए तो वन नोविंग एवरी थिंग इज नोन एज ओमनी साइंट। याद रखिएगा साइंट वर्ड लगा है तो क्या कर रहा है? वो सर्वज्ञाता है, वन नो एवरी थिंग्स। चलिए नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल ईज, ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों का प्रयोग आसानी से करता है कार्य करने के लिए, या कहा जा सकता है कि दोनों हाथों से लिखता हो, कलर्गी होगा, डेमन होगा, पैरासाइट होगा, या एम्बिडेक्स्ट्रस होगा? क्या हो सकता है? झूम करके सेशन को शेयर करिए प्यारे भाई बहनों। है सबकी यही पुकार, अब की बार सलेक्शन हमार का नारा चल रहा है, महामैराथन लेकर के आपके अपने प्रशांत सर प्रेजेंट हैं। बताइए फटाफट क्या ऑप्शन हो सकता है? द पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल ईज, ऐसा व्यक्ति जो आसानी से दोनों हाथों का प्रयोग कर सकता है, सुगमता पूर्वक कर सकता है, क्या कहा जाएगा? तो एमबी हो जाएगा। एमबी ड्रेक्स्ट्रस मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जो बड़ी आसानी से दोनों हाथों का प्रयोग कर सकता है। द पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड विथ इक्वल इज एमबी ड्रेक्ट्रस। एमबी का मतलब दो हो गया और ड्रेक्ट्रस माने हाथों से। गोविंद कुमार जी डी होगा, ठीक है ना? बहुत सही, बहुत सही। चलिए झूम करके सेशन को शेयर करिए, बिल्कुल कोताही न करें। नेक्स्ट वन फटाफट बताने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। द पेशेंट हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, ऐसा व्यक्ति जो बीमारी से धीरे धीरे सुधार की तरफ आ रहा है। 10 क्वेश्चन नहीं कराया गया? अच्छा 10 छोड़ दिया हमने, चलिए 10 देख लीजिए। द पर्सन हु हैड्स मैरिज, ऐसा व्यक्ति
पर्सन हु हेट्स मैरिज, ऐसा व्यक्ति जो शादी से घृणा करता है, ऐसा व्यक्ति जो शादी से घृणा करता है, बाबू क्या कहेंगे? ऐसा व्यक्ति जो शादी से घृणा करता है, मिस ऑनड्रिस्ट कहेंगे, मिसोगेमिस्ट कहेंगे, मिसोजाइनिस्ट कहेंगे, मिस एंथ्रोपिस्ट कहेंगे, क्या कह सकते हैं? ऐसा व्यक्ति जो शादी से घृणा करता है, द पर्सन हु हेट्स मैरिज, द पर्सन हु हेट्स मैरिज, क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा? तो डियर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिस गेमिस्ट। ध्यान दीजिएगा, गेम वाला है मिस गेमिस्ट, न गेम खेलेंगे न खेलने देंगे। तो मिस्ट गेमिस्ट की अगर बात होगी, द पर्सन हु हैड्स मैरिज विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन। यहां पर एम्बिडेक्सस हो गया, नेक्स्ट वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द पेशेंट हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, कन्वलसेंट होगा, साइकोफेंट होगा, बोस्टर होगा, स्टिकलर होगा, क्या हो सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहा है, बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहा है। आपने कहा सर इसमें जो राइट ऑप्शन होगा कन्वलसेंट विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसा व्यक्ति जो बीमारी से धीरे धीरे सुधार की तरफ जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? कन्वलसेंट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, गोविंद कुमार जी का ए आ रहा है, ठीक है ना? धीरे धीरे सफर को बढ़ाना है और अब की बार सिलेक्शन पा ही जाना। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए डियर। अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट, आंखों का निरीक्षण करने वाला, क्या? अ स्पेशलिस्ट, एक विशेषज्ञ जो आंखों का टेस्ट करता हो, उसे क्या बोलेंगे? ऑप्टिशियन, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट बोलेंगे, या आइस थायलॉजिस्ट कहेंगे, या न्यूरोलॉजिस्ट कहेंगे? आइच थायलॉजिस्ट होगा कि न्यूरोलॉजिस्ट होगा, क्या कहेंगे? फटाफट जवाब दीजिए, 13 का जवाब क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए आदित्य विजय जी, क्या होगा? रचना त्रिपाठी करें कि ऑप्टिशियन होगा बेटा, हैं? चलिए बिल्कुल सही आ रहा जवाब। ऐसा व्यक्ति अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट इज नोन एज ऑप्टिशियन, क्या कहा जाता है? ऑप्टिशियन कहा जाता है। वह विशेषज्ञ जो आंखों का क्या करता है, आईज टेस्ट करता है, ऑप्टिशियन कहा जाता है। ऑप्टिशियन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए सेशन को झूम करके शेयर करिए, जितने विषय जितने भी आपके पास ग्रुप हैं सभी ग्रुप में क्या करिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चलिए खूब झूम करके बताइए सोचकर। अ प्लेस वेयर ऑडियंस सिट, अ प्लेस वेयर ऑडियंस सिट, कोर्ट होगा, ऑडिटोरियम होगा, रिंग होगा, स्टेडियम होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना? बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या होगा? अ प्लेस वेयर ऑडियंस सिट, अरे जहां पर ऑडियंस बैठती है, जहां पर श्रोतागण बैठते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? कोर्ट कहा जाएगा, ऑडिटोरियम कहा जाएगा, रिंग कहा जाएगा, या क्या कहा जाएगा? स्टेडियम कहा जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। तो राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा, ऐसा स्थान जहां पर श्रोता लोग बैठते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? ऑडिटोरियम कहा जाता है। व्हाट कैन यू से? ऑडिटोरियम कहा जाता है। ना तो कोर्ट होगा, ना तो रिंग होगा, ना तो स्टेडियम होगा। चलिए नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वन बाय वन। अ प्लेस वेयर बियर बियर इज मेड, अ प्लेस वेयर बियर इज मेड, क्या कहेंगे? हैंगर, जाइमनेसियम, ब्रेवरी, अपायरी, व्हाट कैन यू से? 15 का बताइए। अरे जहां पर बियर बनाई जाती है, बियर जो शराब होती है, प्लेस वेयर बियर इज मेड, क्या कहा जा सकता है? हैंगर, जाइमनेसियम, ब्रेवरी, अपारी, टेल मी गाइस, क्या कहा जाएगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, हम बोलते हैं ब्रेवरी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होगा? ब्रेवरी, अ प्लेस वेयर बियर इज मेड, क्या कहा जाएगा? ब्रिवरी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेशन को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। विवेकानंद जी सी कह रहे हैं, अंकिता मदेशिया इनका प्यारा सी है, चलिए प्यारे बाबू गोविंद कुमार का सी है, अर्चना त्रिपाठी जी कह रही हैं सी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, TGT PGT का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए वन और सब ट्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वन, साइंस ऑफ डिजीज़ क्या होता है? साइंस ऑफ डिजीज क्या होगा? फिलोलॉजी होगा, पैथोलॉजी होगा, साइकोलॉजी होगा, वायरोलॉजी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16 का आपको जवाब देना है, बिल्कुल सभी दीजिए जवाब। साइंस ऑफ डिजीज डिजीजेज, जहां पर जो रोग विज्ञान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रोग विज्ञान क्या बोलते हैं, राइट ऑप्शन बी होगा, पैथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैथोलॉजी विल बी द करेक्ट आंसर। फटाफट आंसर दीजिए, साइंस ऑफ डिजीजेज मीन्स होता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का तो नाम सुना है आप लोगों ने, तो पैथोलॉजी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, झूम करके बताइए भाई। एब्सोल्यूट मोनार्च, ऑटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, अनार्ची, क्या कहा जा सकता है, फटाफट आंसर दीजिए। 17 का रूल बाय एब्सोल्यूट मोनार्च, मोनार्च माने क्या होता है, राजा होता है ना, मोनार्च, तो रूल बाय मोनार्च, ऑटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी या अनार्ची, क्या कहा जा सकता है, फटाफट जवाब दीजिए प्यारे साथियों, क्या कहा जा सकता है। तो आपने कहा सर राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, जब मोनार्च की बात होगी तो आप ऑटोक्रेसी की तरफ जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे, राजतंत्र हो जाएगा। कौन सा तंत्र होगा, राजतंत्र, ऑटोक्रेसी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए 17 का हो गया, अब 18 का बताइए। ऐसा शासन जहां पर ओल्ड मैन का क्या हो, शासन हो, जेरंटोक्रेसी होगा, मोनार्ची होगा, सिलिबेसी होगा, डायनेस्टी होगा, फटाफट आंसर दीजिए। वृद्ध लोगों का जहां पर शासन है, चलिए रचना त्रिपाठी जी करें, 17 का एक होगा, गोविंद कुमार जी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कि रूल बाय ओल्ड मैन को बोलते हैं जेरेंटोक्रेसी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, जेरेंटोक्रेसी विल बी द करेक्ट आंसर। एकदम ध्यान से सुनिए, नहीं आ रहा फिर भी सुनिए, आंसर देने की कोशिश करिए, क्योंकि इसमें से एक न एक प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षा में मिल जाएगा। जैसे कि कन्वलसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आया हुआ था टीजीटी के एग्जाम में, बार बार आ रहा है, एनबीएस केबीएस हर जगह आ रहा है। तो ऐसा हुआ नोट सब्ट्यूशन है कि जो सभी एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो बहुत प्यार से साथियों इसको ध्यान दीजिए और फटाफट जो आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए थोड़ा सा तेजी हम करते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके लगभग 50 क्वेश्चन है। द पर्सन हु इज डिवोटेड टू प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, द पर्सन माने वह व्यक्ति, हु माने जो, इज डिवोटेड है टू द प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, स्टोइक होगा, बाइज आर्ट होगा, एक्सटेम्पोर हो जाएगा, एपिक्यूर हो जाएगा, क्या कहा जा सकता है, 19 का जवाब दीजिए। 19 का क्या हो सकता है, अ पर्सन हु इज डिवोट माने समर्पित है, किसके लिए, टू प्लीजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाने पीने में वो क्या एकदम उसका भक्त हो गया खाने पीने का। चलिए रचना त्रिपाठी जी 19 का क्या होगा बताइए फटाफट, गोविंद जी बताइए, विवेकानंद जी, अंकिता, गुलशन, सभी प्यारे भाई बहन बताएं, फटाफट आंसर दें। चलिए यहां पर हम आंसर देते हैं, पिक्योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट हो जाएगा, पी की इपिक्योर होता है, क्या होता है, इपिक्योर विल बी द करेक्ट आंसर होगा। बाईगार्ड तो उसे कहा जाता है ना, बाईगार्ड उसे कहा जाता है जो धर्म के प्रति क्या होता है, हट्ठी होता है, ठीक ना, वो बाईगार्ड हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है, डी हो जाता है, सबसे पहले जो करेक्ट आंसर है उसी को दिमाग में सेट कर रहा हो, बाकी फिर चारों ऑप्शन बताए जाएंगे, पहले इसको सेट कर लीजिए। नेक्स्ट वन, एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर बोथ, ऐसा जानवर जो जमीन पर भी रह सके और पानी में भी रह सके उसे क्या कहेंगे, एंथ्रोपोइड्स कहेंगे, एक्वाटिक्स कहेंगे, या एम्फीबियंस कहेंगे, या एक्वायरियंस कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, टेल मी गाइस व्हाट कैन यू से। 20 का बताना है, एनिमल ऐसा जानवर दैट कैन लिव ऑन लैंड इन वाटर, जो जमीन पर भी रहता हो और पानी में भी रहता हो उसे क्या कहेंगे, एंथ्रोपोइड्स कहेंगे, एक्वाटिक्स कहेंगे, एम्फीबियंस कह सकते हैं, एक्वायरियन कह सकते हैं। चलिए नहीं आता तो ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस सेशन इसीलिए कराया जा रहा है, क्या कहा जाएगा, एंथ्रोपोइड्स कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, जो एंथ्रोपोइड्स होता है वो एनिमल जो होता है लीव करता है लैंड पर भी और कहां पर, वाटर में भी, तो एंथ्रोपोइड्स विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए प्यारे साथियों, द किलिंग ऑफ वंस इन्फेंट, द किलिंग ऑफ वंस इन्फेंट के बारे में बताना है,
किसके बारे में? इन्फेंट के बारे में। पेरिसाइड होगा, पेट्रिसाइड होगा, इन्फेंटिसाइड होगा, एशुसाइड होगा, क्या कहा जा सकता है? फटाफट जवाब दीजिए। आपने कहा किलिंग ऑफ अगर इन्फेंट सर है, सी ऑप्शन सही होगा, इन्फेंटिसाइड विल बी द करेक्ट हो जाएगा। इन्फेंटिसाइड क्या हो जाएगा? विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20 का क्या होगा? नवजात शिशु की जो हत्या की जाती है उसे इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। तो 21 का जो राइट ऑप्शन होता है वो क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 22 का बताइए। द पर्सन हु ड्राइव्स अ मोटर कार, द पर्सन हु ड्राइव्स अ मोटर कार, अपोस्टेट कहेंगे, डिजर्टर कह सकते हैं, फैनेटिक कहेंगे या चौफियर कहेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। ऐसा व्यक्ति जो ड्राइवर है, ड्राइव्स करता है मोटर कार को, मोटर कार चलाने वाले व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? आपसे यही पूछा जा रहा। अपोस्टेट कहेंगे, डिजर्टर कहेंगे, फैनेटिक करेंगे, कार चालक किसे कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा डियर, क्या हो जाएगा बताइए? चौफियर कहा जाता है। जो कार चालक होता है ना उसे क्या बोलते हैं? चौफियर विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। की बात हो रही है तो क्या होगा? पेरिसाइड, एक्सोरिसाइड, पेट्रिसाइड या फैट्रिसाइड? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। द किलिंग ऑफ वंस पेरेंट, माता पिता की हत्या के लिए एक शब्द बताना है, बड़ा ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। पेरिसाइड विल बी द करेक्ट आंसर, पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरिसाइड। अगर हम बात करें एक्सोरिसाइड क्या है तो पत्नी की हत्या, पेट्रिसाइड क्या है तो पिता की हत्या, और फैट्रिसाइड क्या है तो भाई की हत्या। ठीक ना, फैट्रिसाइड क्या है? भाई के लिए है, एक्जोरिसाइड पत्नी के लिए है, और पैट्रिसाइड किसके लिए है? पिता के लिए है, और माता पिता के लिए क्या है? पैरिसाइड है। सो राइट ऑप्शन विल बी करेक्ट क्या होता है? ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइए इसके बारे में। बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड। बिलीव माने विश्वास करना, दैट कि जो वार है, जो युद्ध है, और जो वायलेंस है, जो हिंसा है, आर अनजस्टिफाइड है। क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन होगा, पेसिमिज्म होगा, या नेचुरलाइजेशन होगा, या पेसिफिज्म होगा, क्या कहा जा सकता है? चलिए देखते हैं क्या आप लोग जवाब दे रहे हैं। 24 का ऑप्शन क्या होगा? बिलीव दैट किसमें? वार एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, मतलब कि युद्ध नहीं करना चाहिए, ये चीजें सही नहीं है। क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन, पेसिमिज्म या नेचुरलाइजेशन, या क्या कहेंगे? पेसिफिज्म। खूब ध्यान से इसको दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि एग्जाम में आ रहा है। बिलीव दैट वार एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, क्या ऑप्शन होगा इसका? ऐसा विश्वास करना कि युद्ध और हिंसा जो है एक अनजस्टिफाइड है, क्या होगा? तो राइट ऑप्शन आप कर दीजिएगा, पेसिफिज्म विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? पेसिफिज्म विल बी द करेक्ट आंसर। डियर क्या हो जाएगा? पेसिफिज्म विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 50 क्वेश्चन हमें लेने हैं, फटाफट चलिए बताइए। फियर ऑफ ब्लड क्या होता है? फियर ऑफ ब्लड आपको बताना है। फियर ऑफ ब्लड क्या होगा? फियर ऑफ ब्लड, नाइक्टोफोबिया, फेस्मोफोबिया, पायरोफोबिया, हाइमोटोफोबिया। चलिए, फियर ऑफ ब्लड मतलब खून को देख करके भयभीत हो जाना। क्वेश्चन कौन सा आपका है? 25। खून को देख करके भयभीत हो जाना, 25 का क्या होगा? फियर ऑफ ब्लड आपसे पूछा जा रहा है। तो फियर ऑफ ब्लड जो होता है इसको राइट ऑप्शन आप कर लीजिएगा, किससे? डी ऑप्शन से। क्या हो जाएगा? हाइमाटोफोबिया। क्या हो जाएगा? हाइमाटोफोबिया विल बी द करेक्ट आंसर। फियर ऑफ ब्लड मींस क्या होता है? खून से भयभीत होने वाला जो व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या होता है? हेमाटोफोबिया होता है। क्या होता है? हेमाटोफोबिया विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं, खूब आराम से आप देखिए बताइए। अ परसिस्टेंस एंजाइटी अबाउट वंस हेल्थ
यूजली इन्वॉल्विंग इमेजिंड सिम्पटम्स ऑफ इलनेस। पुनः सुनिए, अ परसिस्टेंट एंजाइटी अबाउट वंस हेल्थ यूजली इन्वॉल्विंग इमेजिंड सिम्टम ऑफ इलनेस को क्या कहा जाएगा? लीगेसी कहेंगे, हाइपोकॉन्ड्रिया कहेंगे, आइडियो साइन क्रेजी कहेंगे या आइटिनरी कहेंगे, क्या कहा जा सकता है? टेल मी व्हाट कैन यू से। 26 का आंसर आपको देना है, 26 का आपको आंसर देना है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा हाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। अ परसिस्टेंट एंजाइटी अबाउट वंस हेल्थ यूजली इन्वॉल्विंग इमेजिंग सिम्टम ऑफ इलनेस, इसे क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। चलिए, यहाँ पर गुड नाइट आना शुरू हो गया है। कैसे पढ़ाई करेंगे आप लोग? यही तो समय होता है जब आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वन। द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ बिल्डिंग, ऐसा व्यक्ति जो बिल्डिंग का टेक केयर करता है। द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ अ बिल्डिंग, पेट्रियॉट कहेंगे, जेनिटर कहेंगे, पेडेंट कहेंगे या मार्टायर कहा जा सकता है? सोच करके बताइए। 27 का आंसर क्या होगा? भवन की जो सुरक्षा करता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। पेट्रियास तो देशभक्त होता है। यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा, अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ बिल्डिंग इज नोन एज जेनिटर होता है। क्या होता है? जेनिटर विल बी द करेक्ट आंसर। सी क्या हो जाएगा यहां पर? बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए। एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्टेन सिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ ए वाटर। एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का जो अपीयरेंस होता है, जो देखा जाता है, ऑब्टेन प्रायर सिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ ए वाटर, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे? इमेज कहेंगे, माइरेस कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 28 का आपको बताना है, 28 का आपको राइट ऑप्शन बताना है। क्या कहेंगे? एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को देखना। ऑप्टन मीन्स क्या? प्रायर। कैसे देखना? सिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर, पानी के अपीयरेंस के माध्यम से देखना, उसे हम क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे या माइरेस कहेंगे। सो गाइज, राइट ऑप्शन हमारा क्या होता है? बी विल बी द करेक्ट हो जाएगा, माइरेज। क्या हो जाएगा? माइरेज। पुनः सुनने की कोशिश करिए। एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑप्टन सिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर, क्या कहेंगे? माइरेज विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन। अ क्लीवर एंड अम्यूजिंग रिमार्क, अ क्लीवर एंड अम्यूजिंग रिमार्क क्या होगा? विटिसिज्म होगा, मिस्टिसिज्म होगा, रिफ्लेक्शन होगा या सरकमवेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? फटाफट जवाब दीजिए, क्या हो सकता है? भागिए मत, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ध्यान से सुनते जाइए, फिर तैयार हो जाएगा। अ क्लीवर एंड अम्यूजिंग रिमार्क को क्या कहा जा सकता है? 29 का आपसे पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल ईजी है। विटिसिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटिसिज्म, ठीक है ना, चतुरता बोलते हैं, जहां पर चतुराई की बात होती है। ओके, चलिए सेशन को जूम कर शेयर करते रहिए, केवल सुनते रहिए। इस क्या हो जाएगा? वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग बट डिफिकल्ट मीनिंग। मान लीजिए ऐसा वर्ड हो जिसकी सेम मीनिंग हो, मीनिंग तो सेम हो, लेकिन उसमें क्या करा? वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग बट डिफिकल्ट मीनिंग, लेकिन मीनिंग क्या हो? डिफिकल्ट हो, उसे क्या कहेंगे? एंटोनिम्स कहेंगे, सिनोनिम्स कहेंगे, होमोनिम्स कहेंगे, होमोफोन्स कहेंगे, क्या कहा जा सकता है? 30 का आपको बताना है। होमोफोन्स दोस्तों समान ध्वनि वाला होता है ना, यहाँ समान ध्वनि की बात नहीं की जा रही है। वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग, सेम स्पेलिंग होगी बट डिफिकल्ट मीनिंग, लेकिन मीनिंग में डिफरेंट हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? होमिनाइमस कहा जाता है। ठीक ना, नहीं देखते हैं कि एक ही शब्द होता है, स्पेलिंग भी सेम होती है लेकिन उसका अलग अलग अर्थ हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? होमोनाइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोनाइम्स कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट वन। अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, क्या कहेंगे?
निफिलिस्ट कहेंगे, सोफिस्ट कहेंगे, मशीनरी कहेंगे, सैडिस्ट कहेंगे, क्या कहा जा सकता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। अ सोल्जर ऐसा सिपाही हु फाइट्स, माने जो फाइट करता है किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ मनी, जो ऐसा व्यक्ति जो केवल पैसे के लिए काम करता है। भैया किसके लिए काम करता है? पैसे के लिए, उसको मशीनरी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? मशीनरी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? मशीनरी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख लीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो केवल पैसे के लिए ही काम करता है, ठीक है, उससे क्या बोलते हैं? मशीनरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट वन। कॉन्स्टेंट इफोर्ट टू अचीव समथिंग, क्या कहेंगे? कॉन्स्टेंट, निरंतर एफर्ट टू अचीव समथिंग, पेशेंस, वीगर, फासिस्ट कहेंगे या पिजर्वेंस कहेंगे? पिजर्वेंस की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा, पजरवेरेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, PERSEVERANCE। जितना भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बिल्कुल ना छोड़ें और बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, पेशेंस होगा, वीगर होगा, फेसिस्ट होगा या प्रिजर्वरेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 32 का आंसर आपको देना है। 32 का बताइए क्या हो सकता है? 32 का जो आंसर आपका होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रिजर्वरेंस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रिजर्वरेंस विल बी द करेक्ट आंसर। कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, पुनः सुनिए, कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, मतलब लगातार नियमित किसी चीज़ को क्या करने के लिए, पाने के लिए, क्या करने के लिए, पाने के लिए, भाई आपने प्रयत्न किया तो उसके लिए एक शब्द बताना है, पर्सेवरेंस होता है, ठीक ना, इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है। नेक्स्ट वन, अ फील्ड आर ए पार्ट ऑफ गार्डन वेयर फ्रूट्स ट्री आर ग्रोन, बहुत आसान है, पार्क होगा, नर्सरी होगा, यार्ड होगा, या क्या होगा, अर्च यार्ड होगा, ठीक ना, ऐसा स्थान, अ फील्ड आर पार्ट ऑफ ए गार्डन वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन, तो क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बताइए, अर्चार्ड होता है ना, अर्चार्ड, क्या हो जाएगा? अर्चार्ड विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? अर्चार्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फटाफट हम क्वेश्चन बताते चल रहे हैं। 34, इंडिफरेंट टू प्लीजर, अब ध्यान दीजिएगा, इंडिफरेंट वर्ड का जब भी यूज किया जाएगा, जहां पर भी इंडिफरेंट वर्ड का यूज किया जाएगा उसके साथ प्रेपोजिशन क्या लगेगा? टू, ये ध्यान रखिएगा, इंडिफरेंट टू होता है, जबकि डिफरेंट फ्रॉम होता है। इंडिफरेंट क्या होता है? टू होता है, लेकिन अगर डिफरेंट पूछ दिया, क्या पूछ दिया? डिफरेंट पूछ दिया, तो डिफरेंट के साथ क्या लगा दीजिएगा? फ्रॉम लगा दीजिएगा। ओके, तो इंडिफरेंट टू होता है और डिफरेंट फ्रॉम होता है, TGT 2021 में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। इंडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, डोसिलिटी कहेंगे, स्टोइसिज्म कहेंगे, पेशेंस कहेंगे या रिटाइसेंस कहेंगे, क्या कहा जा सकता है? फटाफट आंसर दीजिए। 34 का आंसर क्या होगा? 34 का, इंडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, ठीक ना, इंडिफरेंट टू प्लीजर और पेन क्या है? स्टोइसिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Stoicism will be the correct answer हो जाएगा। 34 का क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। चलिए प्यारे साथियों फटाफट, गवर्नमेंट बाई ए रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, ऐसी सरकार जिसके पास क्या है, बहुत ज्यादा शक्ति हो, डिस्पोटिज्म कहेंगे, ऑटोक्रेसी कहेंगे, मोनार्ची कहेंगे, अनार्ची कहेंगे, क्या कहेंगे? और गवर्नमेंट बाई ए रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, क्या कहा जा सकता है? तो आप कहेंगे सर ऑटोक्रेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोक्रेसी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ ए पार्टिकुलर सिचुएशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ पार्टिकुलर सिचुएशन, व्हाट कैन यू से? डिसीसिव होगा, इवर वेसेंट होगा, स्पेलिंग बहुत पूछी जा रही है, इवर विसेंट की स्पेलिंग बहुत पूछी जा रही है, इफर विसेंट होगा या सरकम स्टैंसियल होगा या इनफेरेंशियल होगा, क्या कहा जा सकता है? 36 का आंसर देना है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल रिजल्ट आप पार्टिकुलर सिचुएशन, किसी विशेष परिस्थिति में अंतिम परिणाम
जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो आ रहा हो, उसके लिए एक शब्द बताना है, तो आप कहेंगे डेसिसिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेसिसिव कहा जाता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ ए पार्टिकुलर सिचुएशन, इसे हम क्या कहेंगे? डेसिसिव विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान से सुनते रहिए। नेक्स्ट वन बात करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है, केयरफुल इन व्हाट यू से आर डू इन ऑर्डर टू कीप समथिंग सेक्रेट और टू अवॉइड केजिंग एम्बरेसमेंट और डिफिकल्टी फॉर समबडी। क्या कहेंगे? सेक्रेट, डिस्क्रीट कहेंगे, जेरोन्टोलॉजिस्ट कहेंगे, डिस्क्रेट कहेंगे या कंपोजिटर कहेंगे। ध्यान से सुनिए इसको। केयरफुल इन व्हाट यू से आर डू इन ऑर्डर टू कीप समथिंग सेक्रेट आर टू अवॉइड केजिंग एम्बरेसमेंट आर डिफिकल्टी फॉर समबडी। क्या होगा? डिस्क्रीट, जेरंटोलॉजिस्ट, डिस्क्रीट या बात के स्पेलिंग में अंतर है डिस्क्रीट डिस्क्रीट में, कंपोजिटर। क्या कहा जा सकता है? गोविंद कुमार जी कह रहे हैं सी होगा। देखिए जो 37 है डियर फ्रेंड, एकदम ध्यान रखिएगा, बार बार इस वीडियो को रिवीजन भी कर लीजिएगा, ठीक ना, रिवीजन करके देख लीजिएगा। उससे हम क्या बोलते हैं, 37 का जो होता है ए होता है, डिस्क्रीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्क्रीट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट हैं, जम करके मेहनत करिए, समय बहुत कम है, आप जान लीजिए, 4-5 महीने जो हैं इसी में आपको बहुत मेहनत करना है, और मेहनत करना पड़ेगा, साथ में जुड़ना पड़ेगा। 9 से 10 तक भी चल सकता है, 10 से 11 तक भी चल सकता है, ठीक ना, 2-4 घंटे का महा मैराथन हो सकता है। तो केयरफुल इन वॉट यू से आर डू इन ऑर्डर टू कीप समथिंग सेक्रेट आर टू अवॉइड केजिंग एम्ब्रेस और डिफिकल्टी फॉर समबडी, वट कैन यू से? डिस्क्रीट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन बताइए, द पर्सन हु इज सेंट टू अ मिशन, इमिसरी होगा, स्पाई होगा, एग्जोरियस होगा या साइकोफेंट हो सकता है। 38 का आंसर आपको देना है, 38 का क्या होगा? अ पर्सन हु इज सेंट टू अ मिशन, ऐसा व्यक्ति जिसे मिशन पर भेजा गया हो, तो आप कहेंगे सर इसे क्या कर सकते हैं, राइट ऑप्शन क्या होगा? अ पर्सन हु इज सेंट टू अ मिशन, आप कह देगा इमिसरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमिसरी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या सही हो जाएगा? इमिसरी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, 39 की तरफ चलते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, 39 की तरफ आपसे पूछा जा रहा है, टू कट समथिंग इंटू टू पीसेज, टू कट समथिंग इंटू टू पीसेज क्या हो जाएगा? सेवर हो जाएगा, सेवर होगा, सीवर होगा, सो होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 39 का? 39 का राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए बाउंस कर रहा है, मेहनत करिए। 39 का क्या हो जाएगा? तो टू कट समथिंग इंटू टू पीसेज इज नोन एज सेवर। क्या कहा जाएगा? सेवर, यस ए वी ई आर। ध्यान दीजिए, टू कट समथिंग इंटू टू पीसेज इज नोन एज सेवर कहा जाता है, यस CVER कहा जाता है। चलिए बाबू, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, अ शॉर्ट पीस ऑफ म्यूजिक स्पेशली एन इंट्रोडक्शन टू ए लॉन्गर वन, मेटिनी कहेंगे, प्रिलूड कहेंगे, रिसाइप कहेंगे या पोस्ट स्क्रिप्ट कहेंगे, क्या कहा जाएगा? बताइए आदित्य जी, क्या कहा जाएगा? 40 का आंसर देना। तो आपको बता दें, उसे प्रिलूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिलूड। अब प्रिलूड किसने लिखा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने द प्रिलूड लिखा है ना। चलिए, अ शॉर्ट पीस ऑफ म्यूजिक स्पेशली एन इंट्रोडक्शन टू ए लॉन्गर वन, तो क्या कहते हैं? प्रिलूड कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन, वन हु प्लेज अ गेम फॉर प्लीजर एंड नॉट प्रोफेशनली, वन हु प्लेज अ गेम फॉर प्लीजर नॉट अ प्रोफेशनली, क्या कहेंगे? वेटरन, प्लेयर, कैनॉइजियर या अमाटियर। देखो डियर, याद रखिएगा, इसकी स्पेलिंग बहुत एग्जाम में पूछी जा रही है। किसकी? COOON है ना, OISS, ठीक ना, EUR, ये बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम में। कैनॉइजियर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कैनॉइजियर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखते हैं पूछा क्या 41 का, 41 का क्या होगा? सी होगा नहीं, हम अभी बता रहे हैं कि स्पेलिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक ना, कैनॉइजियर की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो सतर्क रहिएगा। इसमें क्या हो जाएगा? वन हु प्लेज अ गेम फॉर प्लीजर एंड नॉट प्रोफेशनली, नहीं होता है,
कि बहुत सारे लोग गेम शौक में खेलते हैं, तो उसको अमाटियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाटियर, वन हु प्लेज अ गेम फॉर प्लीजर, ठीक है ना, वन हु प्लेज अ गेम फॉर प्लीजर एंड नॉट प्रोफेशनली, उसे क्या बोलते हैं? अमाटियर बोलते हैं, नौसिखिया। क्या बोलते हैं? नौसिखिया कहा जाता है, ठीक ना, वो आनंद ले रहा है। नेक्स्ट वन, कनेक्टेड विद द पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, कनेक्टेड विद द पीरियड ऑफ आफ्टर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, इन कैंडी सेंट कहेंगे, मैरी टाइम कहेंगे, पोस्ट नेटल कहेंगे, इन एनी मेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। कनेक्टेड विद द पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, मतलब एक बच्चे के का जो जीवन है उसके बाद का जो कनेक्टेड विद द पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे क्या कहा जा सकता है? 42 का आपको बताना है, तो आप इसमें सीधे जवाब दे दीजिएगा कि सर पोस्ट पोस्ट नेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट नेटल बोलते हैं। ध्यान दीजिए, कनेक्टेड विद द पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे के जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद जो कनेक्टेड विद पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे कहा जाता है पोस्ट नेटल कहा जाता है, विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, समथिंग दैट इज पॉइजनस आर अनहेल्दी, समथिंग दैट इज पॉइजनस आर अनहेल्दी, इसे क्या कहा जाएगा? ट्रिबी, टॉक्सिक कहा जाएगा, टॉरपीड कहा जाएगा, या ट्रेजिक कहा जाएगा, ठीक है ना। एक सिरप भी आता है, 43 का जवाब दीजिए, एक सिरप भी आता है ना, टॉक्सिक, तो यही राइट हो जाएगा, टॉक्सिक, टॉक्सिस विल बी द करेक्ट आंसर। समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी, उसे क्या बोलते हैं? TOXIC, टॉक्सिक्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वन, धीरे धीरे हम लोग समापन की तरफ चल रहे हैं। अ रूलिंग सिस्टम इन विच अ पर्सन विथ ग्रेट पावर रूल्स एंड यूजेज हिज पावर इन ए क्रूएल वे, कम्युनिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, डेस्पोटिज्म, क्या कहा जा सकता है? 44 का जवाब देना। आप सीधे बता दीजिएगा कि डेस्पोटिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेस्पोटिज्म, अ रूलिंग सिस्टम इन विच अ पर्सन विद द ग्रेट पावर, ठीक ना, एक ऐसा रूलिंग सिस्टम होता है जिसमें एक ही पर्सन होता है, उसके पास ग्रेट पावर होता है, ग्रेट पावर, ग्रेट पावर रूल्स एंड यूजेज हिज पावर इन ए क्रूएली वे, और बड़ी निर्दयता से उसको यूज करता है, उसे क्या बोलते हैं? डेस्पोटिज्म कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट वन, दैट विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे, दैट विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे, एम्बियंट कहेंगे, एम्बीवेलेंट कहेंगे, एम्बीवियस कहेंगे, एम्बिग्यूएस कहेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए और बताइए 45 का जवाब क्या होगा। दैट विच कैन बी इंटरप्रेटेड किया जा सकता है जिसको, इन एनी वे, किसी तरीके से, तो आप तुरंत बता दीजिएगा राइट ऑप्शन एम्बिग्यूएस विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो सकता है? एम्बिग्यूएस विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन, अ सडन क्विक मोमेंट इन बॉडी दैट यू समटाइम्स कैन नॉट कंट्रोल, अ सडन क्विक मोमेंट इन द बॉडी दैट यू समटाइम्स कैन नॉट कंट्रोल, मतलब शरीर में अचानक ऐसा परिवर्तन आना जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसे क्या कहेंगे? ट्विस्ट, ट्वीड, ट्वीट या ट्वीट, क्या कहा जाएगा? 46 का आंसर देना है, 46 का डी है, तो आप कह दीजिएगा ट्वीच। क्या होता है ट्वीच? ट्वीच जो होता है ना, अ सडन क्विक मोमेंट होता है इन द बॉडी दैट यू समटाइम्स कैन नॉट कंट्रोल, जिससे आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट वन, अ रिलीजियस सिस्टम ऑफ द थॉट दैट ट्राइज टू नो गॉड बाई मीन ऑफ मेडिटेशन प्रेयर, ठीक ना, थियोसोफी कहेंगे, फिलोसफी कहेंगे, नेपोटिज्म कहेंगे, मिस्टिसिज्म कहेंगे, तो अगर इसके हिसाब से आप देखें ना, तो मिस्टिसिज्म तो है नहीं, नेपोटिज्म तो है नहीं, फिलोसफी तो है नहीं, तो क्या कहा जा सकता है? 47 का आंसर तो उसी तरीके से आ गया, थियोसोफी होता है। क्या होता है? थियोसोफी विल बी द करेक्ट आंसर, जो मेडिटेशन आप करते हैं। अ रिलीजियस सिस्टम ऑफ थॉट दैट ट्राई टू नो गॉड बाय मीन ऑफ मेडिटेशन प्रेयर, इट इज सी नोन एज क्या? आप कह सकते हैं थियोसोफी। ओके नेक्स्ट वन, अब देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन जवाब दे रहा है। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बेबी होगा, कवरी होगा, ट्रूप होगा,
या कोटेरी होगा, क्या हो सकता है? फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका वेवी हो जाएगा ना, वेवी कुंवारी लड़कियों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, वेवी। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी है। रेडी टू बिलीव एनी थिंग्स, क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, क्रेडुलस, इनक्रेडुलस। लगातार अभी मैराथन चलेगा इसका 2-4 दिन। रेडी टू बिलीव एनी थिंग्स, रेडी टू बिलीव एनी थिंग्स, किसी भी चीज़ में विश्वास करने के लिए तैयार, उसे क्या बोलेंगे? 49 का आंसर दीजिए, 49 का। रेडी टू बिलीव एनी थिंग्स, किसी चीज़ में भी विश्वास करने के तैयार अगर है तो उससे क्या बोलेंगे? क्रेडुलस कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रेडुलस। जो क्रेडुलस होता है ना, वो रेडी टू बिलीव एनी थिंग्स हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वन बात करें। कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स दैट स्ट्रांगली सजेस्ट दैट समथिंग इज ट्रू बट डू नॉट प्रूव इट। क्या कहेंगे? सर्कमस्टेंशियल कह सकते हैं, कॉमेंसुरेट कह सकते हैं, डिस्क्रीट कह सकते हैं, रिटोरिक कह सकते हैं। रिटोरिक की स्पेलिंग बहुत पूछी जा रही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 50 का क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। पुनः समझ लीजिए। कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स दैट स्ट्रांगली सजेस्ट, जो स्ट्रांगली सजेस्ट करता है दैट समथिंग इज ट्रू बट डू नॉट प्रोब इट, इसे प्रोब नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? सर्कमस्टेंशियल कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, आज का ये रहा बहुत बेहतरीन सेशन, आप सभी की भारी डिमांड पर पीएस क्लासेस लेकर के आ रहा है। आप जब भी आपको मौका मिले सबसे पहले तो लाइव जुड़ें और अपना देखें कि आपका टेस्ट में रैंकिंग क्या जा रहा है। कम नंबर जा रहा है तो कोई बात नहीं है, फिर बढ़ जाएगा, प्रैक्टिस लगातार होती रहेगी। लेकिन आप प्रैक्टिस सेशन में जुड़ें क्योंकि एग्जाम में एक भी वन वर्ड सब्टीट्यूशन इससे बाहर नहीं आएगा। तो डियर फ्रेंड, इसे बार बार आप देखिएगा, जितनी बार देखेंगे उतनी क्लियरिटी आपके अंदर आएगी। वो ऐसे हम प्रैक्टिस करा ही रहे हैं और प्रतिदिन 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। तो हम लेते हैं आप सभी से विदा। गुड नाइट, हर हर महादेव, बाय बाय, टेक केयर।